रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लगातार जो कूच बिहार की हिंसा थी उस पर सियासत तेज होती नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि ममता बनर्जी के बयान पर अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह भड़कते हुए नजर आए हैं। हिंसा के लिए दीदी के भाषण को जिम्मेदार ठहराया गया है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, हिंसा में 4 लोगों की जान गई थी। आपको बता दें कि चौथे चरण में यानी कि बीते रोज कूच बिहार में मतदान के दौरान वहां पर 4 लोगों की मौत हुई थी, गोलीबारी चली थी और साथ में आरोप ये लगा था कि भीड़ ने सुरक्षा बलों से हथियार छीनने की कोशिश की थी। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि हिंसा के लिए अब दीदी के भाषण को जिम्मेदार बताया गया है। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बयान और इस बयान के साथ ही आपको बता दें कि जो सियासत का दौर है वो तेज हो चुका है, क्योंकि इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूरी घटना के लिए चुनाव आयोग से उसको जिम्मेदार ठहराया था और साथ में बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए थे और गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगा था, लेकिन इस्तीफे के साथ में अब गृह मंत्री का जवाब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने आ चुका है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि जो भाषण दिए गए थे वो जिम्मेदार हैं, ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं इस हिंसा के लिए और उन 4 लोगों की मौत के लिए जिनकी कल मौत हुई थी।